बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान होंगे। तो डेयर स्टूडेंट, यूटी टेक्सला की तरफ से 9th मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, वेबसाइट पे अपलोडेड है। 22 सितंबर को 9th मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है यूटी टेक्सला की, और इसमें जिन कैंडिडेट का नेम आया है उनको फीस जमा करवाने के जो दिन मिले हैं वो सिर्फ 3 दिन मिले हैं, यानी 25 सितंबर तक फीस जमा करवानी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, 10th मेरिट लिस्ट, उसमें मेरिट कहाँ तक जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या तवक्कोआत हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये तवक्कोआत होती हैं कि उनका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, क्या उनका एडमिशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका पॉसिबल है एडमिशन, अगर आपका इतना एग्रीगेट है तो आपका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चैनल का विजिट करा दूं, एक और हमारा चैनल है वेलकम गुरु, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपके तमाम मसाइल कंप्यूटर रिलेटेड, जिनके पास कंप्यूटर हैं, IDM, एंटीवायरस, और अगर किसी किस्म का कोई किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई इशू है जो कि इंस्टॉल नहीं हो रहा कंप्यूटर पे, उनके लैपटॉप पे, तो इस चैनल को आपने विजिट करना है। तमाम डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, तो आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है अगर कोई किसी किस्म का आपको इशू हो रहा है, चाहे वो एडिटिंग फिल्मोरा से हो या फिर आपको एंटीवायरस का कोई इशू आ रहा हो, तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और चैनल को आपने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। तो डेयर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी टेक्सला की वेबसाइट ओपन है, ये लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन मेरिट पर सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट को ए कैटेगरी में है, 71.283, और सेकंड पे है दानिश जाहिद, उसका भी 71.279। मीन के अब 2 ही कैंडिडेट रह गए हैं ओपन मेरिट में। होपफुली कि नेक्स्ट लिस्ट में शायद ही कोई इलेक्ट्रिकल में ओपन मेरिट पे आए। इस तरह एस कैटेगरी भी है और एल कैटेगरी भी है, तो ये टोटल 6 कैंडिडेट हैं जिनका नाम इलेक्ट्रिकल में आया है। तो नेक्स्ट में ओपन पे तो बहुत मुश्किल है, शायद एस कैटेगरी में किसी का नेम आ जाए, तो इलेक्ट्रिकल का मुझे लग रहा है कि यही लिस्ट एंड हो जाएगी। और इसी तरह मैकेनिकल के भी सिर्फ और सिर्फ 3 नेम आए, और वो भी एस कैटेगरी के। ओपन मेरिट यहाँ पे भी क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सिविल का 1 ही है एस कैटेगरी, यहाँ भी ओपन मेरिट ख़त्म है। तो ये 3 लिस्ट तो तकरीबन फाइनल हैं, और बाकी रह जाती है बात कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें ओपन मेरिट की अभी 13 कैंडिडेट आए हैं 9th मेरिट लिस्ट में, तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी इसके आने के चांसेस हैं। और इसी तरह टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर के भी ओपन मेरिट 1 ही है कैंडिडेट रह गया, ये नेक्स्ट मेरिट लिस्ट तक इसका भी चांस नहीं है कि ये इसी पे एंड हो जाए। और इंडस्ट्रियल, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इनके चांसेस हैं नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कहाँ तक मेरिट जा सकता है। तो हम क्लिक करेंगे फाइनल मेरिट पोजीशन पे, और जिन कैंडिडेट का नेम आया है वो माई यूटी अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ से लॉगिन होंगे, कॉल लेटर होगा, आपने चलान पे करना है बैंक का और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने चलान के साथ यूटी टेक्सला की मेन ब्रांच में। वो तमाम इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ, और कॉल लेटर पर भी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। तो डेयर स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूटी टेक्सला की फाइनल मेरिट पोजीशन लिस्ट नंबर 9/2020 आपके सामने है। आप देख सकते हैं मैकेनिकल का 73.765 ओपन मेरिट 8th पे ही क्लोज हो चुका था, तो अभी इस वक्त कैटेगरी जो चल रही है वो एस कैटेगरी चल रही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 72.8 है, सिविल का 72.13 है, 8th मेरिट लिस्ट में इसका क्लोज हो चुका था, इसका भी 8th मेरिट लिस्ट में क्लोज हो चुका है। इलेक्ट्रिकल का 71.279 अभी देखा है हमने, इसका चांसेस अब नहीं लग रहा कि ये अब इसी 9th में ही इसने क्लोज हो जाना है, शायद 10% चांस है कि एक कैंडिडेट आ जाए। कंप्यूटर साइंस 70, इलेक्ट्रॉनिक्स 70, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 69.33, इंडस्ट्रियल 68.258, इन्वायरमेंटल 67.784, टेलीकॉम 67.714,
और कंप्यूटर साइंस मेडिकल के लिए, प्री मेडिकल के लिए वो 48.209। तो इसी तरह आप बाकी कोटा के भी देख सकते हैं मेरिट। तो चांसेस ये हैं कि ये जितना मेरिट यहाँ पर तक क्लोज हो चुका है, इससे फ्यू पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। कंग्रेचुलेशन जिनका एडमिशन हो चुका है यूटी टेक्सला में, और जिनका नहीं हुआ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डेट्स अभी बाकी हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मेरे चैनल पर मौजूद है। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस स्ट्रक्चर, सीट ब्रेकअप, क्लोजिंग मेरिट, ये तमाम डिटेल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दें, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अगली वीडियो तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिए ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज़।